हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वोकैब का सेशन 59। सो चलिए शुरू करते हैं, आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। हमारा एच लेटर कंप्लीट हो गया था, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आई लेटर। सो चलिए शुरू करते हैं सेशन 59। पहला वर्ड है आज का हमारा, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ आइकोनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट होता है जो मतलब पॉपुलर बिलीव्स या ट्रेडिशंस आइडियाज़ में बिलीव नहीं रखता है, उनको नहीं मानता है। अ पर्सन हु अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, अ पर्सन हु अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स एंड इंस्टीट्यूशन। इसके ऑप्शंस हैं हमारे अब्रिज। अब्रिज हमने ए लेटर में कंप्लीट किया था, पढ़ा था। अब्रिज होता है किसी चीज़ को छोटा करना, टू शॉर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म होता है हमारा किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति को कंप्लीटली चेंज कर देना, टू चेंज समथिंग समबडी कम्प्लीटली, पूरी तरीके से चेंज कर देना। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है डिटेस्ट। डिटेस्ट होता है किसी से नफरत करना, घृणा करना, टू हेट। हमने इसके सिनोनिम पढ़े थे, टू हेट। डिटेस्ट का अभोर पढ़ा था हमने एक वर्ड। लास्ट ऑप्शन है हमारा स्केप्टिक। स्केप्टिक होता है डाउटफुल, जो डाउट रखता है किसी चीज़ में, बिलीव नहीं करता है, डाउटफुल होता है वो। अ पर्सन डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, यानी कि ओपिनियंस बिलीव्स में डाउट रखता हो, डाउटफुल हो। सो हमारा आइकोनोक्लास्ट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, स्केप्टिक। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी होती है विचारधारा। अ सिस्टम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ओपिनियंस। ये ओपिनियंस होते हैं, विचारधारा होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है इसका, ईग्रेस। ईग्रेस होता है हमारा किसी प्लेस से बाहर आना, ठीक है, टू टू गोइंग आउट और लीविंग अ प्लेस, किसी प्लेस को किसी प्लेस या किसी जगह से बाहर आना या जाना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, अजाइल। अजाइल होता है मेरा एबल टू मूव क्विकली, यानी कि किसी जगह से क्विकली मूव कर जाना, इजीली, क्विकली और इजीली। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन होता है मेरा कोई भी बिलीफ और सेट ऑफ बिलीव्स, अ बिलीफ। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा फ्लूक। फ्लूक होता है कोई भी एक्सीडेंट, एकदम से जो हो जाए, कोइंसिडेंस हो जाए, कोइंसिडेंस और एक्सीडेंट। तो हमारा आइडियोलॉजी का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, क्लोज मीनिंग डॉक्ट्राइन, यानी कि बिलीफ। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी होता है हमारा पेक्यूलर, यानी कि स्ट्रेंज, जिसे कह देंगे हम विम्सिकल कह देंगे, थोड़ा मतलब स्टूपिड बिहेव करने वाला। जैसे सारे क्रोस तो ऊपर की तरफ है, लेकिन ये जो क्रो है उल्टा लटका, मतलब उल्टा बैठा हुआ है, तो ये क्या है हमारा, स्ट्रेंज, पेक्यूलर। सन की टाइप बोलते हैं इसे, जिद्दी सन की। सो हमारे इसके ऑप्शंस हैं कैबल। कैबल होता है हमारा अ सीक्रेट, सीक्रेट पॉलिटिकल क्लिक, सीक्रेट पॉलिटिकल ग्रुप। एक वर्ड हमने पढ़ा था कोटरी, ये भी इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना,
हमने इसका भी वर्ड पढ़ा था, इस डिस्प्ले करना, शो ऑफ करना, टू शो ऑफ. नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, पैसिफाई. पैसिफाई होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को, किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ के इफेक्ट को, यानी कि टू काम, प्लैकेट, सूथ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके, बहुत सारे सॉरी सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, ई सेंट्रिसिटी. ई सेंट्रिसिटी होता है, ये भी विम्सिकल होता है, पेक्यूलर यानी स्ट्रेंज सन की. तो हमारा इडियोसिंक्रेसी का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, ई सेंट्रिसिटी. नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आइडिलिक. आइडिलिक होता है हमारा बहुत शांत और सुहावना, रिलेटेड टू ब्यूटिफुल नेचर. चार्मिंग इन अ रस्टिक वे, इन अ रस्टिक वे, ये होता है मतलब बहुत कोई चीज सुहावनी या और शांत, जैसे कि ये मौसम से देख सकते हैं आप, ये शांत और सुहानी लग रही है. नेचुरल पीस भी बोल सकते हैं. सो हमारा इसका पहला ऑप्शन क्या है, फ्लॉग. फ्लॉग होता है हमारा बीट समवन विद स्टिक, किसी को स्टिक से मारना, पीटना. नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है हमारा, वंडरफुल. वंडरफुल होता है कोई भी चीज़ बहुत अच्छी, एक्सट्रीमली गुड. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, पेक्यूलर. पेक्यूलर अभी हमने पढ़ा क्या होता है, स्ट्रेंज, विम्सिकल. स्ट्रेंज लिख देते हैं, यानी कि सन की टाइप. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, एल्यूसिडेट. एल्यूसिडेट होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, क्लियरली एक्सप्लेन करना या क्लियरली बताना. मेक समथिंग क्लियर या एक्सप्लेन करना. सो हमारा आइडियलिक का परफेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, वंडरफुल, एक्सट्रीमली गुड. नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, हमारा फिफ्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इग्नोमिनी. इग्नोमिनी क्या होता है हमारा, सो इग्नोमिनी होता है किसी को ह्यूमिलेट करना, एम्बेरस करना, किसी को परेशान करना. सो ये होता है हमारा डीप डिसग्रेस, यानी कि किसी पे कलंक लगाना, एम्बेरस करना किसी को. जैसे किसी ने कुछ गलत कर दिया हो तो वो उसको कैसी फीलिंग आएगी, ये होता है कलंक. और कलंक कैसा होता है, एम्बेरस देता है, ह्यूमिलिएशन भरा होता है. पहला ऑप्शन क्या है हमारा इसका, कंसीड. कंसीड होता है हमारा कोई चीज़ एक्सेप्ट करना या एडमिट करना, यानी कि किसी चीज़ को मान लेना. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, डेबल. डेबल होता है मेरा मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व होना, टू बिकम इन्वॉल्व इन इन टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग इन अ वे दैट इज नॉट सीरियस, यानी किसी चीज में इन्वॉल्व होना लेकिन वो चीज सीरियस नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, ह्यूमिलिएशन. ह्यूमिलिएशन होता है एम्बेरसमेंट. एम्बेरसमेंट. नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रेज. प्रेज होता है किसी को सराहना, किसी की तारीफ करना अचीवमेंट्स के लिए. तो ये होता है हमारा टू एक्सटॉल. एक वर्ड पढ़ा था हमने, ई में एक्सटॉल. और अप्लॉड का मतलब भी क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना. तो हमारा इग्नोमिनी का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, हमारा ह्यूमिलिएशन यानी एम्बेरसमेंट, इस डीप डिसग्रेस. नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इलिसिट. इलिसिट होता है हमारा इलीगल, कोई भी चीज़ जो लॉ हमें परमिट नहीं करती है, अलाउ नहीं करती है. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नो डॉग्स अलाउड, ये लेकिन डॉग को लेकर आया हुआ है, इट्स इलीगल. यहाँ पे इलीगल है ये चीज़, डॉग को लाना अलाउड नहीं है. तो क्या करेंगे इसका, ये होता है नॉट परमिटेड बाय लॉ.
पहला ऑप्शन क्या है हमारा, इलीगल। इलीगल क्या चीज़ है जो लॉ हमें अलाउ नहीं करती है, या फिर कोई चीज़ गलत है, नॉट अलाउड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, लीगल। लीगल होता है कुछ चीज़ अलाउड है या फिर रिलेटेड टू लॉ। अलाउइंग बाय लॉ या फिर रूल्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, सेंसर। ये होता है स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज करना किसी को, टू स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कम्बरसम। कम्बरसम होता है कोई भी चीज़ डिफिकल्ट हो पकड़ने के लिए, मतलब कैरी करने के लिए, हार्ड और डिफिकल्ट टू कैरी। कैरी करने में हार्ड हो, डिफिकल्ट हो कोई भी चीज़। तो हमारा इलिसिट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, इलीगल यानी नॉट अलाउड बाय लॉ। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज़ अ सिनोनिम ऑफ इमिनेंट। इमिनेंट का सिनोनिम बताना है हमको, पेन चेंज कर लेते हैं हम। इमिनेंट होता है हमारा कोई चीज़ होने वाली होती है, अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन यानी कि कोई चीज़ होने वाली है, ठीक है। सो ऑप्शंस हैं इसके, बार्ब। बार्ब होता है एक कांटा जो हमारे फिश को पकड़ने के लिए हुक से डालते हैं ना, वो कांटा होता है, शार्प शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा बीट्रे। बीट्रे होता है किसी किसी को धोखा देना, टू बी डिसलॉयल, डिसलॉयल होना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग होता है फोर्थ कमिंग, क्यों चीज आने वाली होती है, होने वाली होती है, फोर्थ कमिंग। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा एग्रेरियन। एग्रेरियन होता है कुछ चीज़ रिलेटेड टू लैंड, भूमि से संबंधित, रिलेटेड टू लैंड। ये हमने ए लेटर में किया हुआ है। सो हमारा इमिनेंट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, इम्पेंडिंग यानी कि कोई चीज़ होने वाली है, अबाउट टू हैपन। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, हमारा एट्थ वर्ड, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का सिनोनिम बताना है। सो हमारा इम्यूटेबल होता है कोई भी चीज़ जो चेंज ना हो, अनेबल टू बी चेंज, इरिवोकेबल, अनेबल टू बी चेंज, इरिवोकेबल। सो हमारे इसके ऑप्शंस हैं एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड होता है भाग जाना, जैसे कानून की गिरफ्त से भाग जाना, डी डिपार्ट सीक्रेटली, डिपार्ट सीक्रेटली। नेक्स्ट वर्ड अनचेंजेबल। अनचेंजेबल क्या होता है, जो चीज चेंज नहीं हो सकती, ऑल्टर नहीं हो सकती, नॉट एबल टू बी ऑल्टर्ड। नेक्स्ट वर्ड चेंजेबल, ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा चेंजेबल, जो भी चीज चेंज हो सकती है, एबल टू बी चेंज। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, लॉर्ड। लॉर्ड क्या होता है, लॉर्ड भी क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, किसी को सम्मान देना, अचीवमेंट्स के लिए सम्मान देना, प्रेज हाईली, किसी को किसी की अचीवमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ करना, प्रेज करना। तो हमारा इम्यूटेबल का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, अनचेंजेबल, कोई भी चीज़ जो चेंज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, हमारा नाइन्थ वर्ड, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इम्पार्शल। इम्पार्शल क्या होता है हमारा, जो चीज़ अपक्षपाती हो, यानी कि जो दो लोगों में, दो ग्रुप्स में, किसी भी दो व्यक्तियों में भेदभाव ना करता हो, अपक्षपाती बोलेंगे इसको, अपक्षपाती, ठीक है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हो, अनबायस्ड। ऑप्शंस क्या है इसके, कार्कस। कार्कस होती है एक बड़े जानवर की डेड बॉडी, डेड बॉडी, अ डेड बॉडी ऑफ लार्ज एनिमल।
नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एबियंस. एबियंस क्या होता है हमारा? सस्पेंडेड एक्शन, कोई भी सस्पेंडेड एक्शन. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? पार्शल. पार्शल क्या लग जाएगा इसका? सिनोनिम, यानी कि पक्षपात जो करते हैं दो लोगों में, डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना, तो ये हो जाएगा हमारा बायस्ड टू डिस्क्रिमिनेट. लास्ट वर्ड क्या है मेरा? डिसइंटरेस्टेड. डिसइंटरेस्टेड होता है मेरा अनबायस्ड, जो इम्पार्शल होता है, जो न्यूट्रल रहता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, दोनों लोगों को एक साथ लेकर चलता है, ट्रीट इक्वली, ट्रीटिंग, ट्रीटिंग इक्वली. यानी कि तुम्हारे लिए भी वैसा ही हूँ और तुम्हारे लिए भी वैसा हूँ, यानी इक्वली ट्रीट करता है जो. सो इम्पार्शल का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? डिसइंटरेस्टेड. और अगर रही बात एंटोनिम की, तो वो क्या लग जाएगा हमारा? पार्शल. सो हमने कोशिश की है हर एक वर्ड में सिनोनिम के साथ एंटोनिम देने की, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, एक वर्ड का आप एंटोनिम और सिनोनिम दोनों जान सके और उसको लर्न कर सके वहीं के वहीं. सो आप भी इनको याद कीजिएगा. आज का लास्ट वर्ड हमारा, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इम्पेकेबल? इम्पेकेबल होता है हमारा त्रुटिहीन, जिसमें कोई मिस्टेक ना हो, एकदम परफेक्ट कोई भी चीज़. कोई चीज परफेक्ट, विदाउट फॉल्ट, सो ऑप्शंस हैं इसके. ऑगमेंट, ऑगमेंट होता है किसी चीज को बढ़ाना, टू इंक्रीज. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? कैटेस्ट्रॉफी. कैटेस्ट्रॉफी होता है मेरा डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? फ्लॉलेस. फ्लॉलेस होता है मेरा विदाउट फॉल्ट, या फिर विदाउट कोई, विदाउट सिन, परफेक्ट. विदाउट मिस्टेक, कोई चीज परफेक्ट है विदाउट मिस्टेक. नेक्स्ट और लास्ट हमारा डाउटफुल. डाउटफुल होता है जो दो मतलब चीजों में डाउट करता है. स्केप्टिक एक वर्ड पढ़ा था हमने, वो क्या लग जाएगा इसका? सिनोनिम. और एक क्या लग जाएगा? डूबियस. डूबियस भी क्या होता है हमारा? डाउटफुल. सो ये था हमारा 10th वर्ड. इसका परफेक्ट सिनोनिम क्या लग जाएगा? इम्पेकेबल का फॉल्टलेस, फ्लॉलेस. नेक्स्ट वर्ड हमारा, सॉरी, हमने आज के 10 वर्ड्स कर लिए हैं, एक क्विक रिविजन कर लेते हैं इनका. पहला वर्ड है हमारा आइकोनोक्लास, वही जो किसी भी बिलीफ या ट्रेडिशन या एक्सेप्टेड आइडियाज़ को नहीं मानता है, ये होता है हमारा स्केप्टिक, डाउटफुल होता है वो. नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी होता है हमारा कोई भी विचारधारा या सिस्टम ऑफ पॉलिटिक एंड सोशल ओपिनियंस. और डॉक्ट्राइन क्या होता है हमारा? कोई भी बिलीफ. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इडियोसिंक्रेसी. इसका सिनोनिम क्या लगा था? ईसेंट्रिसिटी, यानी कि पेक्यूलर, स्ट्रेंज, सन की टाइप हमारा. नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा? आइडिलिक. आइडिलिक होता है नेचर से संबंधित, नेचुरली पीस, कोई चीज़ नेचुरली पीसफुल, यानी कि कोई चीज़ बहुत सुहावनी और शांत, वंडरफुल. नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा? इग्नोमिनी. ये था हमारा डीप डिसग्रेस, कलंक लगाना, और कलंक लगेगा तो ह्यूमिलेट, अपने आप हो जाएंगे, एम्बेरस हो जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इलिसिट. इलिसिट होता है इलीगल, नॉट परमिटेड, अलाउड बाय लॉ और रूल्स, अलाउड नहीं करते हैं किसी चीज़ को. नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? इमिनेंट. इमिनेंट होता है कोई भी चीज़ होने वाली होती है, अबाउट टू हैपन. फोर्थ कमिंग क्या था हमारा इसका सिनोनिम? इम्पेंडिंग फोर्थ कमिंग. नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? इम्यूटेबल. इम्यूटेबल होता है कोई भी चीज़ जो चेंज नहीं कर सकते, नॉट एबल टू बी चेंज, या इरिवोकेबल, अनचेंजेबल इसका सिनोनिम था. नेक्स्ट वर्ड हमारा इम्पार्शल, यानी कि जो अपक्षपाती होते हैं, यानी कि सब लोगों को एक समान लेकर चलते हैं, ट्रीटिंग ऑल इक्वली, न्यूट्रल जो रहते हैं, डिसइंटरेस्टेड. लास्ट वर्ड आज का हमारा क्या था? इम्पैकेबल, यानी कि फ्लॉलेस, जिसमें कोई गलती ना हो, त्रुटिहीन, परफेक्ट एकदम, विदाउट मिस्टेक्स. सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स. आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आप इनको हमारे साथ याद करते चलेंगे. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू एवरीवन. आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है. Thank you.